नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी बैक को स्ट्रेंथन रखेंगे, बैक को मजबूत रखेंगे और वर्क फ्रॉम होम की कंडीशंस में या घर बैठे बैठे जब हम ज़्यादा काम करते हैं एक ही जगह पे बैठे बैठे, तो उस कंडीशन में आपको हेल्दी रखेंगे। वैसे तो हर तरह से बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है, तो फ्लेक्सिबल रखने के लिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और बैक पेन के बुरे नतीजों को से बचने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो बेसिक एक्सरसाइज है जो बार बार आप 2 या 3 बार करेंगे तो आपकी बैक बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी, आप उसको देखिए और कीजिएगा, आप तैयार हो जाइए। और हाँ दोस्तों, मास्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए जब भी घर से बाहर जाइए, डबल मास्क। और वैक्सीनेशन, अगर आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिए। और अपने आप को बिल्कुल भी, आप जब भी घर आएँ तो कम से कम 2 से 3 बार स्टीम ज़रूर करें अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो। अपने डॉक्टर के निगरानी में रहिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है तो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। डरिए मत, डरने से प्रॉब्लम बढ़ती है और सतर्क रहने से समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, बैक को ठीक रखने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो आप देखना शुरू कर दीजिए। आप सबसे पहले उल्टे पोजीशन में अपने आप को, जैसे मैं घोड़े की पोजीशन में आया हूँ, उस पोजीशन में करके आप देखेंगे कि बायां हाथ पहले उठाया, फिर दाहिना पैर एक साथ ऊपर हवा में है, थोड़ी देर 2-3 सेकंड रखने के बाद आप इसको वापस कर लीजिए, फिर दाहिना हाथ और बायां पैर सीधा हॉरिजेंटल रख करके रोके रहिए 2-3 सेकंड, फिर वापस रख लीजिए। ऐसे 5-6 बार या 10 बार जितना आपको ठीक लगे ये कीजिए। इसको करने के बाद आप जो है दूसरी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे और उसमें आप स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों पर अपना वेट लेकर के, ब्रीद इन करते हुए होल्ड करके रखेंगे उस पोजीशन को और धीरे धीरे छोड़ेंगे। 10 से 15 सेकंड रोक सकते हैं इस पोजीशन को और वापस से आप अपने हैंड को वहीं रखिए और हिप्स को नीचे हील तक लगा दीजिए। ऐसा करके आप अपने पूरी बैक को स्ट्रेच भी कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में या उसके पहले भी आप जो ये एक्सरसाइज है जिसमें कि दोनों हाथ हवा में हैं और आपका बॉडी पूरा का पूरा चेस्ट जो है बेड से लगा हुआ है, दोनों लेग्स थोड़े से उठे हुए हैं, ऐसा करते हुए आप जैसे स्विमिंग करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन सब एक्सरसाइज को करने के बाद आप ज़रूर अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। क्वारंटीन हो रखे हैं तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो, आप थोड़ा भी वेल ठीक फील कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इससे आप अपने इस तरह के समय को बहुत अच्छे से अपने उपयोग में ला सकते हैं और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसको ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और इसको, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। मैं विदा लेता हूँ आपका दोस्त डॉक्टर धीरज। नमस्कार।